क्लास सेवन आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशंस चैप्टर नंबर फोर। तो इसमें जो है आपको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है जो आप क्लास सिक्स में अलजेब्रा में भी पढ़ चुके हैं। तो अब इसी का हम रिवीजन पहले करते हैं कि माइंड रीडिंग गेम है एक, जिसमें एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि आपको ये एक क्वेश्चन बना के उसको पहेली के रूप में पूछे। तो सारा ने कहा कि सारा से अमीना ने कहा कि एक नंबर सोचो, उसको चार से मल्टीप्लाई करो और उसमें पाँच ऐड कर दो। तो उन्होंने पूछा रिज़ल्ट क्या है, तो उसने कहा 65। तो अमीना ने कहा कि ये नंबर जो है वो 15 है। क्यों? क्योंकि 15 फोर ज़ा 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65। तो ये नंबर जो उसने सोचा था सारा ने, दैट वाज 15। 15 के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो ये एक इक्वेशन है तो जिसमें 15 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 65। अब हो सकता है हमें ये पता ही नहीं है कि 15 की जगह हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन बन गई, एक्स 4 या 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। तो इसको हम सोच के भी बता सकते हैं और उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब जैसे अप्पू की टर्न थी तो बालू से उसने कहा कि कोई नंबर सोचो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो उसने पूछा रिज़ल्ट क्या है, तो बालू ने कहा 50 है। तो अप्पू को पता चल गया उसने कौन सा नंबर था, उसने बता दिया कि ये 7 नंबर है, बिकॉज 7 इंटू 10 70 एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ एक्स जो नंबर था जो नहीं पता था, दैट वॉज 7। तो इस तरह से यही इक्वेशंस हम जो है आप इनको सॉल्व करते हैं। एक वैल्यू होती है जिसको वेरिएबल कहते हैं, तो वो जो है जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, तो उसको जो है हमें फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे कि आपके पास एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी 4x प्लस 5 की वैल्यू। तो अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा 9। इसका मतलब 4 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 1 होता है अगर x की वैल्यू तो सॉल्यूशन होता है 9। इस तरह कोई भी इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसकी वैल्यू लेकिन अलग अलग हो जाएगी उस इक्वेशन की। तो इसी तरह हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो वेरिएबल क्या होता है कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन, इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। सो अ वेरिएबल टेक्स अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय अल्फाबेट्स, ठीक है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा लेकिन, ठीक है। तो जो है इस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जो होती है इक्वेशन बनी है इक्वालिटी से, मतलब ये कि दो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं। इक्वल का मतलब है बराबर हैं, यानी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 25 में एक्स की वैल्यू वो होगी जिससे दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएं, लेफ्ट साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी। अगर नहीं हो रही हैं बराबर तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन जो आपने निकाला है, एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो गलत है। तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं और सॉल्व करके भी कर सकते हैं। सॉल्व करके आप कैसे करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 5 और 25 हैं, और एक्स की वैल्यू कौन कौन सी हैं, 4x और 6x हैं। तो अब आप क्या करिए, आपको पता है कि इक्वालिटी साइन में जब आप साइड्स चेंज करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। तो यानी कि अगर आप 6x माइनस 4x कर लीजिए तो पॉजिटिव का 4x माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस 25 को आप लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो 6x माइनस 4x कितना हो गया, 2x के बराबर, 2x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू हो गया 30/2 इज इक्वल टू 15, यानी कि x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आ गई, 15 आ गई। तो इस तरह से आप जो है सारे ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो दोनों तरफ वेरिएबल्स हों या एक तरफ हो।
आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आता है। इसी तरह आप स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस के फॉर्म में बना सकते हैं। सम ऑफ थ्री टाइम्स एक्स एंड 11 इज 32, दैट मीन्स 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32। ठीक है, इसी तरह इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7, तो 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। और यू कैन टेक इट एज जेड ऑल्सो, एनी नंबर एनी अल्फाबेट यू कैन टेक। 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, 1/4 ऑफ m इज इक्वल टू m बाई 4 विच इज 3 मोर देन 7। सो दैट मीन्स इधर यू मेक इट लाइक प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 1/4 m बाई 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, दैट इज 1/4 ऑफ m इज 1/4 ऑफ m इज m बाई 4 एंड इट इज ग्रेटर देन 7 बाई 3। सो दैट मीन्स इफ यू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m बाई 4 यू गेट 3। यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, यू कैन से m बाई 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 7, और यू कैन से m बाई 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, सॉरी m बाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। You can make any kind of statement. Then the next sum is 1/3 of a number plus 5 is 8. So if the number is x, its 1/3 will be x by 3 plus 5 is equal to 8. So that's how you can make the statements and find out what the number is. You can also make a statement out of an equation, like if you subtract 5 from a number you get 9, or 5 times a number is equal to 20. If you add 7 to 3 times a number, the answer is 1. 1/5 of a number, when subtracted by 2, you get 6. So you can make any kind of statement, whichever you feel like. This should be correct, but it should not be wrong, alright? Or the difference between x and 5 is 9 and so on. Now consider the following situation. Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father is 44 years and old. Set up an equation to find Raju's age. So Raju's age is 5 years more than 3 times. If Raju's age is x, then the 3 times of Raju's age will be 3x plus 5 is equal to 44. This is the equation which you have formed. You can take here, I have taken y. So 3 times of Raju's age plus 5 is equal to his father's age. That is 44. So you can find out the age of Raju. 44 minus 5 upon 3. Find it out. A shopkeeper sells mangoes in 2 types of boxes, one small and one large. A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. Set up an equation which gives the number of mangoes in each small box. The number of mangoes in a large box is given to be 100. एक शॉपकीपर मैंगो बेच रहा है दो तरह के बॉक्सेस में, एक छोटा है और एक बड़ा है। जो बड़ा वाला है उसमें कितने छोटे बॉक्सेस हैं, 8 छोटे बॉक्सेस हैं, प्लस 4 मैंगोज और हैं। तो उसमें आपको क्या ये बताया गया है कि एक बड़े बॉक्स में जो नंबर है मैंगोज का वो 100 है। ठीक है, तो आप सपोज करो कि छोटे बॉक्स में m मैंगोज है, हमें नहीं पता छोटे बॉक्स में कितने मैंगोज है, सपोज करिए m है, और लार्ज बॉक्स में 4 ज़्यादा हैं 8 टाइम्स m के। ठीक है, तो 8m प्लस 4 है उसमें। ठीक है, अब वो टोटल किसके बराबर हो गए, 100 के बराबर हैं। तो आप m की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, इसको समझिएगा। तो हमें ये नहीं पता है कि छोटे बॉक्सेस में कितने मैंगोज़ हैं, तो वो सपोज़ कर लो m है,
तो वो 8 छोटे बॉक्सेस हैं तो 8m हो गए, प्लस 4 और हैं, और एक बड़े बॉक्स में 100 मैंगोज़ होते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। तो इस तरह आप इनको इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाइए। और याद रखिए माइनस के साइन प्लस के साइन ध्यान रखिए, जैसे इन क्वेश्चन में -2 दे रखा है, तो n की वैल्यू अगर -2 है, यहाँ देखिए बी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के, तो 7 × -2 -14 हो जाएगा, +(-) = -, +(+) = +, -(+) = -, -(-) = +। ये 4 जो बेसिक्स आपको बताए गए हैं उनको याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि जब आप साइड्स चेंज करेंगे राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो साइंस बदल जाएंगे, और सिर्फ लेफ्ट में या राइट में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये कुछ इक्वेशंस थी जो आपको सॉल्यूशंस दे रखे थे, आपको ये बताना था कि ये सॉल्यूशंस उनके हैं या नहीं हैं। तो ये आपको सॉल्यूशंस मैं अभी भेज दूँगी, तो आप उनको करिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन वो आप पूछ लीजिएगा, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।